बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मशीन के साथ मैं हूँ फिजा कमल। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अपोजिशन जमायतों को अवामी मसाइल के हल के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। वजीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में पहले कैंसर अस्पताल पर जारी तामीराती काम में पेशरफ से मुतालिक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान। महदूद वसाइल के बावजूद फाउंडेशन ने जिस मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मदद आपके तहत मुआशरे में इल्म के फ़रोग़ का बीड़ा उठाया है, वो काबिले सताइश है। इल्म को फ़रोग़ देकर मुआशरे को अमन और इस्तेहकाम का गहवारा बनाया जा सकता है। 8 अगस्त के शहीद वकला हमारे हीरोज हैं। शहदा को खराज अकीदत पेश करने आया हूँ। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जनाब जस्टिस अली बाकर नजफी का डिजिटल लाइब्रेरी के दौरे के मौके पर इजहार ख्याल। इस मौके पर शहीद बाज मोहम्मद काकर फाउंडेशन के चेयरमैन मारूफ मौलिज समाजी शख्सियत डॉक्टर लाल खान काकर, चीफ एग्जीक्यूटिव मशरक सैयद मुमताज़ शाह, क्वेटा बार एसोसिएशन के सदर इकबाल कासी, एडवोकेट और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान इमरान खान का तुर्बत आमद के सिलसिले में तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल के ज़ेर सदारत इजलास मुनाक़िद हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर ज़हूर बुलेदी, कोऑर्डीनेटर टू वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल रऊफ रिंद, कमिश्नर मकरान तारिक कमर बलोच, मोहतरमा रहीमा जलाल, मोहतरमा करीमा जलाल, डॉक्टर फारूक बलोच, शरीक कमिश्नर मकरान तारिक कमर बलोच ने वज़ीर आज़म की तुर्बत आमद के सिलसिले में तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बच्चों में गज़ाई किल्लत के मसाइल से निपटने के लिए मुल्क गिर प्रोग्राम शुरू करने पर इतफाक़ का इजहार किया है। न्यूट्रिशन से मुतल्लिक ये कौमी प्रोग्राम नहायत अहमियत का हामिल है, जिस पर अमल दरामद से बच्चों में गज़ाई किल्लत के मसाइल पर बतदरीज काबू पा लिया जाएगा। सूबाई मशीर QDA बुशरा रैन से बलोचिस्तान अवामी पार्टी ख़वातीन विंग ने मुलाकात की और सूबाई वजारत इत्तला'आत और नशरियात का कलमदान संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बलोचिस्तान हुकूमत का अहसन इकदाम, बेरोजगारी से तंग मनशियात के आदि बलोचिस्तान के मारूफ फनकार परवेज़ बलोच के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की जानब से ताहायात 30,000 रुपये के पैकेज का ऐलान। फनकार परवेज़ बलोच की कुछ अर्सा पहले मनशियात के आदि होने के बाद अब तरहाल में वीडियो वायरल हो गई थी। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज से क्वेटा, सिब्बी, ज्यारत, जोग, किला सैफुल्ला, शीरानी, मस्तुंग, नोशी, चागी, पशीन, किला अब्दुल्ला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्क है। PDMA बलोचिस्तान ने मुतल्लिका अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट और किसी भी मुमकिन मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की पश्चिमी में कार्रवाई, खुफिया इतला पर 751 किलोग्राम आला क्वालिटी क्रिस्टल और हेरोइन बरामद। पश्चिमी पहाड़ी इलाकों के दरमियान छिपाई गई 143 किलोग्राम क्रिस्टल और 608 किलोग्राम आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद। कोलू सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी, 9 साला बच्ची नादिया बिनते मोहम्मद नूर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। गुज़िश्ता 5 दिनों से निश्तर अस्पताल मुल्तान के ICU में ज़ेर इलाज थी। तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सीनियर रहनुमाओं हाजी अहमद रजा अबड़ो, हाकिम अली जतक, अली बख्श नून की क़यादत में उस्ता मोहम्मद ऑफिस से फ्रांस के सदर और फ्रांस की हुकूमत की जानिब से हुजूर पाक सलम की शाम में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली चिनार रोड, घंटाघर, मछली पुल से होती हुई UBL चौक पर जलसे की शक्ल अख्तियार कर गई। उस्ताद मोहम्मद गंदा खां के रिहायशियों का मुतालबात के हक में एहतजाज क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर आज चौथे रोज भी जारी। काफिले के शुरका 300 किलोमीटर पैदल मार्च करके क्वेटा पहुंचे थे। 4 रोज गुजरने के बावजूद क्वेटा इंतजामिया की जानब से कैंप लगाने नहीं दिए जा रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।